So now, welcome to the next chapter from your book Grammar Glitter Odyssey by Brain Root from Amit Publishing House. And the chapter number 10 name is Models. Okay, so kids, are you aware what are models? So I tell you the auxiliary verbs that indicate the mode. Okay, auxiliary verbs hoti hain jo kisi mode ya manner ko batati hain action ke. Okay, कि जो वो एक्शन किया जा रहा है वो किस मैनर में किया जा रहा है, किस मोड में किया जा रहा है. डोनेटेड बाय द प्रिंसिपल वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल्स. लाइक रिया कैन गो टू स्कूल टुमारो. हेयर कैन इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिया गोइंग टू स्कूल. ओके, सो द मॉडल इज कैन, क्योंकि ये दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि रिया स्कूल जाएगी. ओके, सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, वुड, यूज्ड टू, नीड, डेयर एंड ऑट. मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब. मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब से फॉलो होते हैं. दे डू नॉट चेंज फ्रॉम विद द पर्सन और द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. ओके, इन पे सब्जेक्ट के नंबर का या किसी पर्सन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. सो सम कॉमन मॉडल वर्ब्स आर रिटन हेयर. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट. विल कब यूज होता है? विल होता है सिंपल फ्यूचर व्हेन द सब्जेक्ट इज सेकंड और थर्ड पर्सन, जैसे कि यू, ही, शी, इट एंड दे. लाइक द चीफ मिनिस्टर विल ले द फाउंडेशन स्टोन टुमारो. ओके, द ट्रेन विल लीव एट 10 AM. ओके, सो ये कब यूज होता है? टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर. देन एग्जाम्पल, टू शो डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस. जब हम अपनी कोई डिटर्मिनेशन को शो करना चाहते हैं या अपनी इच्छा को शो करना चाहते हैं, तो जैसे ही विल फाइट. एंड टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन. जब हम कोई इमेजिनरी कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आई वुड लव टू गो टू मोरक्को. नाउ शेल. शेल भी सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है व्हेन द सब्जेक्ट इज इन फर्स्ट पर्सन, जैसे आई या वी. वी शैल लर्न दिस लेसन टुमारो. आई शैल हेल्प यू टू आस्क फॉर एडवाइस, सजेशन एंड रिक्वेस्ट ऑल्सो. जब सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन में, ओके, इन द इंटरोगेटिव, जैसे शैल आई ओपन द विंडो, शैल वी मीट टुमारो, शैल आई ब्रिंग. नेक्स्ट इज मे. मे हम यूज करते हैं टू आस्क फॉर परमिशन इन अ फॉर्मल मैनर. जब हमें फॉर्मल मैनर में किसी से परमिशन लेनी होती है, जैसे कि मे आई कम इन सर. टू एक्सप्रेस अ विश, कोई विश मांगने के लिए, मे यू ऑलवेज इंजॉय गुड लक, मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल हैप्पीनेस. टू इंडिकेट अ गुड पॉसिबिलिटी, जब एक अच्छी पॉसिबिलिटी हमें दिख रही होती है, डोंट वरी योर लाइब्रेरी बुक्स मे बी इन द क्लासरूम. ओके, सो माइट इज कब यूज करते हैं? जब हमें लेस पॉसिबिलिटी दिख रही होती है, जैसे इट माइट रेन टुडे. और परमिशन को दिखाने के लिए, दैट लाइक माइट आई स्टार्ट द डिस्कशन. ओके, गेस करने के लिए, दैट माइट बी द पोस्टमैन. आप क्लियर नहीं हो वो कौन है, लेकिन आप गेस कर रहे हो, सो यू आर यूजिंग द माइट हियर. देन कैन. कैन इज यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी. कैन हमने पहले भी देखा था. कैन इज यूज टू टॉक अबाउट शी कैन प्ले टेनिस वेरी वेल. तो ये क्या है? एबिलिटी है. लाउड नॉइज कैन डैमेज योर ईयर्स. ये क्या है? पॉसिबिलिटी है. टू आस्क फॉर और गिव परमिशन इन एन इनफॉर्मल मैनर. फॉर्मल मैनर में लेना हो तो वी विल यूज मे, एंड इनफॉर्मल मैनर में आपको परमिशन लेना हो सो यू विल यूज कैन. यू कैन मीट मी टुमारो. ओके, गिविंग परमिशन. Now, can I join the gym from tomorrow? This is also permission. Now, could. Could kab use hota hai? Could is used to express ability, capacity in the past. Jaise ke probability. Like, he must be 35. He must have reached by now. Okay? Jab aapko ek strong probability aaye, certainty aaye, tab aap must ka use kar sakte hain. Must is not used in the negative or interrogative in this sense. So remember this thing. Now, have to.
Have to is used to give advice or to recommend something like sorry, I have to go now. So sorry, I must go now. You simply have to have a break. Aap advice de rahe hain. You have to try the new pickle. It is hot and sour. Need, जब आप कोई necessity को denote करते हैं, obligation को, okay, जैसे do I need to help him? Radha need not go to the post office. It is commonly used in negative and interrogatives. Must नहीं use होता है, but ये होता है. Ought, ought is used to express the subject's obligation or duty. सब्जेक्ट की ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को बताने के लिए हम ऑट का यूज करते हैं. जैसे कि वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, ओके, वी ऑट नॉट टू डिसीव एनी वन. डेयर कब यूज होता है? इन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस वेयर द इम्प्लीकेशन इज टू बी बोल्ड इनफ. जैसे कि हाउ डेयर शी क्रिटिसाइजेस अस, इम्प्लीकेशन बोल्ड है. आई डेयर नॉट स्लीप अलोन इन द डार्क. To imply a challenge, I dare you to finish up the whole pizza. Okay? तब हम dare का use करते हैं. Used to is used to express past habit. Like, I used to go to the temple before 6 months. So, ये आपने past की habit को express करने के लिए हम use करते हैं used to का. Okay, now as an ordinary verb, need means want or require. Jaise, I do not need so much money. As an ordinary verb, need ka matlab kya ho sakta hai? Want or require bhi hota hai. Okay, ye to aapko pata hoga. Jaise, I used to go for a walk every morning. To express the existence of something in the past. There used to be a garden in this place long ago. Now we come on the exercises. आपको ये सब कोई learn करने पड़ेंगे models. Then only you will be able to imply here correctly. Okay? I dash arrange the flower for the bouquet. I can arrange the flower for the bouquet. Okay? Because this is your ability. Okay. Dash I borrow this pen from you? May I borrow this pen from you? The teacher dash ask you to bring the homework. The teacher might ask you to bring the homework. Raj hasn't studied well. Now we come to the exercise number C. Fill in the blanks with must, should, will or may. I think we dash go out for shopping today. Because we need a lot of things for the picnic. So now we take the exercise number C. Fill in the blanks with must, should, will or may. I think we may go out for shopping today because we need a lot of things for the picnic. We dash make sure that we carry a first aid box. We may even need some ropes in case we decide to go tracking. We dash almost forget our fishing rods. Like we may always forget our fishing rods. Dash B, we will catch some fish if we are lucky. Okay, will be like isme yahan par aayega, should be, we will catch some fish if we are lucky. Okay, edit and rewrite the lines by using suitable models. Sheena run 5 kilometers an hour. Sheena can run 5 kilometers an hour. She go home now it is getting dark. She should go home now it is getting dark. She understand that this is not suitable time to be on the road. She should understand that this is not suitable time to be on the road. But she always be brave. She will always be brave. She should maintain her time table. So, aap suitable models ko yahan par fill karenge, right? Now, the next composition chapter after models in your book is notice writing. अब आप देखते होंगे आपको अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड्स पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिसेस मिलते होंगे. सो नोटिस क्या करते हैं? नोटिस राइटिंग विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, ओके, गिव अस सम मैसेज,
which is important for us. So notice is a short piece of information. बहुत ज़्यादा इसमें हम कुछ नहीं लिखते हैं about a particular program or even generally put on school bulletin boards, in offices and newspaper. The tone of a notice is formal and impersonal. Okay, while framing a notice, one must pay attention to the format as well as the content. The content of a notice must not exceed more than 50 words, and all the relevant information must be stated clearly and accurately. 50 words से ज़्यादा notice का content नहीं होना चाहिए, और जो भी information आप दे रहे हैं वो clearly होनी चाहिए और accurate होनी चाहिए. Owing to the concise format of a notice, it is important to choose words carefully to ensure that all information is communicated clearly to those concerned. So, जैसे आपका ये format है, यहाँ पर आपने institute का नाम लिखा, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, notice, date डालेंगे आप, उसके बाद ये जो आपको hints दिए हैं, इनको यहाँ पर appropriately fill करेंगे. And now here are some topics of notice writing. Like a fancy dress competition has been organized for the students of class 3rd. Okay, draft out a notice in not more than 50 words to the parents of the concerned children, giving the necessary details. Okay, so these are the topics which you will have to write the notice. So you can choose any one of them, and you can choose both of them. You can write about both of them, because notice writing is a very small composition which you have to make not more than 50 words. और जो भी आप notice writing में information देते हैं वो बिल्कुल up to the mark होनी चाहिए. Okay? So now here are some more topics. You can see topic number 5 is your school is organizing a cultural evening to showcase hidden talents. Write out a notice asking student to audition for the program. So different type of topic you will get in your book, and there are 7 given in your book, and you can practice of all these topics